वन ऑफ माई क्विकेस्ट एडवाइस टू MSTCET 2023 एस्पायरेंट्स, गाइज अभी आपकी कितनी बोर्ड एग्जाम बाकी है, एक से दो बोर्ड एग्जाम बाकी होगी, लेकिन लास्ट लास्ट में बोर्ड एग्जाम को हल्के मत लो। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि हमको कॉलेज से MSTCET से ही मिलना है, बोर्ड एग्जाम का क्या फ़ायदा है, मिनिमम लाने 50% वो लेके आ जाएंगे हम। गाइज हल्के मतलब बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स आगे परसेंटेज बहुत काम आएंगे, क्यों? क्योंकि आगे आप अगर हायर एजुकेशन में जाओगे या फिर प्लेसमेंट बैठोगे तब वो लोग पूछते हैं बोर्ड्स में कितने आए, क्राइटेरिया रख देते हैं आपके बोर्ड्स में 75% के अभाव हो गए तभी आप हमारे इंटरव्यू में बैठ सकते हो। सो गाइज ऐसी सब चीज़ें होती है, फिर कॉलेज में आगे दिक्कत आएगी। सो गाइज प्लीज़ अभी बोर्ड एग्जाम पर फोकस करो, जितना भी बोर्ड एग्जाम बाकी एकदम अपना 100% दो, और अभी बोर्ड एग्जाम को होने के बाद अपने पास पूरा आधा मार्च बचता है और पूरा अप्रैल बचता है। सर इन में हम MSTCET के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरे अप्रैल में अगर हमने वीकली एक मॉक टेस्ट लगानी है और सारे PYQs करके जाने हैं, PYQs किसके 21-22 के, लास्ट ईयर के और लास्ट टू लास्ट ईयर के, सो ये दो साल के तो PYQs एकदम अच्छे से करके जाने हैं, और मैथ्स का ज़रूर करके जाना क्योंकि मैथ्स का लास्ट ईयर लेवल थोड़ा बढ़ चुका था, इस साल भी कंपेरेटिवली वैसा ही लेवल आएगा, JEE के लेवल के हिसाब से मैथ्स आया था लास्ट ईयर। सो कुछ क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में जो ट्रिकी होते हैं, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ट्रिकी है, टाइम लगेगा, इसको हम बाद में लास्ट में करेंगे, सबसे पहले इजी क्वेश्चन करते जाएंगे। सो ये सब चीज़ आप कैसे डेवलप होगी, प्रैक्टिस से ही डेवलप होगी, मॉक पेपर देने से ही डेवलप होगा। अभी फिलहाल बोर्ड एग्जाम पे फोकस करो, बोर्ड एग्जाम होने तक आपके सारे फॉर्मूलेज हो जाने चाहिए और कंसेप्ट हो जाने चाहिए, अगर कंसेप्ट फिर भी वीक रहते हैं तो आपके पास मार्च पड़ा है, मार्च तक सारे कंसेप्ट फॉर्मूलेज करके रख दो, पैक करके रख दो, उसके बाद अप्रैल में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, PYQs करने हैं, मॉक पेपर्स लगाने हैं, उन सबको एनालाइज करना है, लास्ट ईयर के पेपर्स देखने हैं एकदम अच्छे से कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या आपसे वो बनते हैं या नहीं। पूरा अप्रैल पड़ा है प्रैक्टिस के लिए, अप्रैल में जम के प्रैक्टिस करेंगे और वही है मार्च तक अपने फॉर्मूलेज और कंसेप्ट क्लियर करके रख दो, तब भी हम MSTCET में एकदम अच्छे से अच्छे स्कोर करोगे। और गाइस प्लीज़ MSTCET को हल्के में मत लेना, क्योंकि इससे ही आपको कॉलेज मिलेगा, जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा उतने आगे के 4 साल अच्छे होंगे, उतनी अच्छी प्लेसमेंट होगी। सो थोड़ा आगे का सोच के चलना, सो आप अभी जितना भी इनपुट डालोगे आप सबको वापस से वो सब चीज़ें मिल जाएगी रिटर्न में। सो अभी जितनी मेहनत कर सकते हो करो मेहनत, और एक बार अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद आगे 4 साल है, फिर आगे देख लेंगे इंजीनियरिंग। सो गाइज यही था, चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और CET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा वापस एक बार बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के बाद आ सकता है, अभी आप वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे ऑलरेडी वेबसाइट बन चुकी है बट टेस्टिंग फेज पे है, अभी तक आप सबके लिए पब्लिक नहीं की गई है, और जैसे हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा था गाइज एक लाइक बनता है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि ये चैनल आपका MSTCET का रिगार्डिंग सब कुछ प्रोवाइड करने वाली है, काउंसलिंग भी करेंगे, फिर पेपर रिव्यूज़ भी करेंगे, लास्ट ईयर देख सकते हो लास्ट ईयर सब कुछ किया था, इस साल भी सब कुछ करेंगे। सो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।